प्लाटून नंबर ए की कमान संभाले हैं नव आरक्षक श्रीकांत पिल्ली। ये है प्लाटून नंबर दो जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक नवीन कृष्णा। अटूट इरादे के साथ प्लाटून नंबर तीन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक के बैंड योग्यता स्तर पोस्ट ग्रेजुएट 5 बीटेक 40 ग्रेजुएट 253 इंटरमीडिएट 255। इधर देखना सर, इधर भी नहीं है। जय श्रीमान, सामने देखो। आजाकर इन नवारक्षकों का उत्साह वर्धक है। सामने जय श्रीमान। डंडा आ रहा है। सलामी लेने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैं इन सभी युवा नव आरक्षकों को उनके कठिन बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आज इस प्रशिक्षण केंद्र से 624 नव आरक्षक जो कि मुख्यतः आंध्र प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल राज्यों से संबंध रखते हैं 44 सप्ताह का कठिन बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर देश सेवा के लिए हर प्रकार की जिम्मेदारी संभालने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इन नौजवानों के जोश और हौसलों ने परेड के माध्यम से अपनी प्रतिभा का जो शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया है वह काबिल-ए-तारीफ है तथा
संपूर्ण देशवासियों को सुरक्षा का यह पैगाम देता है कि भारत माता की आन बान और शान के लिए ये बहादुर जवान किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। आज का दिन इन नवरात्रों के लिए जीवन का स्वर्णिम क्षण है, क्योंकि आज प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित एवं व्यवसायिक रूप से 10 सीमा प्रहरी के रूप में शामिल हो रहे हैं। सभी वर्दीधारी बलों में दीक्षांत परेड एक ऐसा अनूठा पल होता है जो जीवन भर के लिए स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाता है। निश्चित रूप से प्रशिक्षण के दौरान किया गया कठिन परिश्रम आने वाले समय में आपके हृदय में स्मृति रूप में याद आएगा। यह एक ऐसा अवसर है जब आप लंबी अवधि के कठिन प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षण केंद्र से अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान आपके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम हमारे राष्ट्र की सेवा धर्म के कार्य को सहज और सुगम बनाएगा। प्रशिक्षण के दौरान बहाया हुआ पसीना आपको भविष्य में निश्चित रूप से आपका खून बहने से बचाएगा। ये नौजवान प्रशिक्षण के उपरांत युद्ध कौशल व सैन्य जगह से लबरेज होकर देश की सीमाओं की हिफाजत करने में पूर्णतः सक्षम है। इस सर्वोत्कृष्ट पल में प्रहरी के रूप में आपका भविष्य चुनौतियों से भरा हुआ होगा। इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आपको पूरी दृढ़ता एवं समझदारी के साथ समय को परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए कार्य करना होगा। मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि केंद्र ने अपने उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के द्वारा आपको मानसिक एवं शारीरिक रूप से सुदृढ़ और सशक्त सीमा प्रहरी बनाने के साथ साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम भी बनाया है। आज आप इस तरह से प्रशिक्षण में निपुण हो तो हो गए हैं, किंतु राष्ट्र एवं बल के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सफलतापूर्ण सामना करने के लिए देशों द्वारा दिए गए ज्ञान व तकनीक का आपको बुद्धिमत्ता एवं विवेक के साथ उपयोग करना होगा। दायित्व के निर्माण के दौरान ऐसे कई अवसर आएंगे जब आपको चुनौतियों और खतरों का सामना करते हुए अपने मानसिक और शारीरिक साहस का परिचय देना होगा। आपको सदैव न सिर्फ अपने साथियों एवं अपने उच्च अधिकारियों की आशाओं पर खरा उतरना होगा, बल्कि देशवासियों की उम्मीदों पर भी खरा उतरना होगा। ये तभी संभव होगा जब आपके अंदर ईमानदारी, देशभक्ति तथा सत्यनिष्ठा की भावना निरंतर विद्यमान रहे। आज की उच्च स्तरीय ड्रिल आपके उच्च दर्जे के प्रशिक्षण सामर्थ्य एवं आत्मविश्वास को उजागर करता है। आप अपनी लगन, मेहनत और आले दर्जे के अनुशासन में रहते हुए न सिर्फ सीमा सुरक्षा बल का बल्कि अपने अन्य देशों, माता पिता तथा सभी देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा करेंगे। इस अवसर पर आपके गौरवान माता पिता एवं परिवारजनों को मैं बधाई देता हूँ, जिनकी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन की बदौलत आज आप सीमा सुरक्षा बल के सदस्य हैं। मैं केंद्र के सभी अधिकारियों और उनके अधीनस्थों की समर्पित टीम को बधाई देता हूँ, जिन्होंने आपको एक सजग, सतर्क, साहसी और समर्पित सीमा प्रहरी के रूप में तराशा है। साथ ही साथ उन नवरात्रों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ जिन्हें आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शनों के लिए पदकों से और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। मैं आपके